फ्रांस को पछाड़कर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बन गया, लेकिन मोदी सरकार इतने भर से मानने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया कि साल 2019 तक भारत ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेटली ने कहा कि अगर मौजूदा आर्थिक विकास की रफ्तार ऐसी ही बनी रहती है तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि भारत अगले साल ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ग्लोबल ट्रेड वॉर आगे चलकर कुछ मुश्किलें जरूर पैदा करेंगे। जेटली ने फेसबुक पोस्ट पर कांग्रेस ने ग्रामीण भारत को नारे दिए, प्रधानमंत्री मोदी ने संसाधन दिए इस शीर्षक से लिखे लेख में कहा कि पिछले 4 साल के दौरान भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही, अगले दशक में हम आर्थिक विस्तार के रूप में देख सकते हैं। जेटली ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने सुनिश्चित किया कि ग्रामीण भारत और कम अधिकार रखने वाले लोगों का संसाधनों पर पहला अधिकार सुनिश्चित हो। अगर ये व्यवस्था अगले दशक तक इसी तरह जारी रही तो इसका भारत की ग्रामीण गरीबी आबादी पर शानदार असर होगा। इससे पहले वर्ल्ड बैंक की हाल रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस मामले में अमेरिका शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन का स्थान है। साल 2017 के अंत तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 2.597 लाख डॉलर रहा, जबकि इसी वक्त में फ्रांस की GDP 2.582 लाख डॉलर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN।